लाल तरफ मीठे मजबूत प्लेयर शॉट लगा दिया तगड़ा शॉट टॉप कॉर्नर में डबल लगा लग गया आठ उन्हें कौन पहला गोल सुनवाई उन्हें बागे लग प्ले उन्हें इशारा उन्हें कौन गोल रुवर दिया बेहतरीन शॉट कमेंटेटर मिस्टर मार्शल के साथ साथ मैं सभी को एक बार पुनः देख लीजिए ये खिलाड़ी को देखिए एक बार फिर से मौका मिला है और देखिए लाजवाब गोल ये खिलाड़ी का ग्लब्स रहे
ये बीच लाल और लाल लोबंग ताला ताला इन सपोर्टिंग वाले गति दिया मैंने कहा अंदर कौन बोल रहा अभी मुझ वापसी करना तीन नंबर हो का प्लेयर सुखी तो नोटे जानी छोटो मुर्मू ने बीच गब्रियल आयरन सपोर्टिंग उड़े गाती या मेंथे मेंखन दो नंबर अडिमोज संजला होना बोले वापसी की दाल ने एकरम रे उन्हें कौन छे नंबर बॉल कंट्रोल करते उन्हें कौन जहाल का करते बॉल अक्वा छतर कौन डुकले की क्रूम्पिया आड़े बीच उन्हें कौन राजन नहीं उड़े आ राजन मुर्मू होना बॉल अडिमोज क्लियर लहा की दिया पंद्रह नंबर बॉल जहाल का करते उन्हें सागेन ना बॉल कंट्रोल किया उन्हें कौन क्लियर लहा की दारिन सहयोगी लगी बेनकान ये लबुन हाँ उन्हें बीते घातक प्लेयर्स देविलाल हेमरम नोई प्लेयर्स ऊपर खास नजर था है ना बिल्वो में हम टीम से कौन इंटर नोई जब जब इन गति नियल कर दिया हर ग्राउंड रे हर मैच रे अक्सर नोई से कौन आया टीम लगी गोली नियल बड़ा होगा बेनकान तिहिंग चेन उन्हें कौन देविलाल जी आया टीम हित रे बीते महत्वपूर्ण गोल करते उन्हें कौन मैच सो दरिया करना से बंद लाल हेमरम लंबा पास होने कौन देखो दुगुर टुडू बंकान इन थगी रमलाल आया पोजीशन हताव को देखो डी मोज बोले साफ किधर बंका उन्हें निश्चित रूप से परेशानी रहे पड़ाव दरिया क्या उन्हें कौन रमलाल जी थ्रोइंग बॉल अडिमो छोड़े राजन आरेन सपोर्टिंग उन्हें थ्रोइंग दी तहया उन्हें प्ले उन्हें इशारा हजुम करना हालांकि अपील हजुम करता है हैंड फाउल ना मेंका उन्हें कि रेफरी तहे कन करों थे उन्हें बारीकी थे उन्हें नोटिस की दिया उन्हें इतने यहां उनका ना सुनवाई उन्हें बागी अल्ला प्ले उन्हें इशारा उन्हें कौन गोल रुवर दिया बेहतरीन शॉट और जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था देवीलाल हेमरम का वाकई में देवीलाल ने वो कमाल करके दिखाया और मैच को फर्स्ट हाफ के आठवें मिनट पर ही वापसी कर लिया है यही है देवीलाल का एक परिचय 11 नंबर पर ने खिलाड़ी और नई प्लेयर्स बारीकी नेल कर दिया हर ग्राउंड में जब जब इन जहाना ग्राउंड रिंग चलाओ करना कमेंट्री लगी हर ग्राउंड में जब जब जहाना टीम खन की देवीला लगा दिया अक्सर आया जुतुम रे मीटे गोल दोस अक्सर दर्ज बढ़ाओ का और उनका ना रिकॉर्ड नोडे बढ़ाओ का दोहारी देवीलाल जी और लहर गिन मुझे जिक्र ले गया नया विश्लेषण यू करता है कि देवीलाल निश्चित रूप से इस मैच में कुछ बेहतर करेंगे क्योंकि इसका खेल हमने पहले देख चुका है वाकई में इस मैच को वापसी करने में एक बेहतर एक कंट्रीब्यूशन देते हुए देवीलाल हेमरम मैच लेवल पर आ गया है अभी एक एक शून्य की बराबरी पर और देखना होगा रिंकू सर इस प्रकार का खेल देखने में दर्शकों को भी काफी ज्यादा यहाँ ऐसा खेल देखने में मजा आता है और निश्चित रूप से हम अक्सर उम्मीद करते हैं हर एक मैच ऐसा ही खेले दोनों तरफ से यहाँ पर बराबरी का मुकाबला खेले दोनों टीम्स एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गोल करें और उस प्रकार का ये परिचय भी दोनों टीम्स ने दिया है शुरुआती समय पर ही लगभग 9वां मिनट के आसपास दोनों टीम से एक एक गोल हुआ है तो निश्चित रूप से बचा हुआ समय का जो मैच होगा इसे भी और बेहतर मैच हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है रिंकू सर और बिल्कुल सही बात है सुशील और सबसे पहले मैं सिद्धू कानू युवा स्पोर्टिंग क्लब सहरी के तमाम कमेटीगण को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा साथ ही साथ यहां जितने भी दूरदराज से दर्शक दिशा में आकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं एवं सभी खेल खिलाड़ियों को पुनः एक बार ये सिद्धू कानू क्लब युवा स्पोर्टिंग क्लब शहरी की ओर से मैं खुद रिंकू मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर सुशील और मेरे सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर मार्शल के साथ साथ मैं सभी को एक बार पुनः देख लीजिए ये खिलाड़ी तो हीरो है कहा जाए तो ये खिलाड़ी सोना नहीं 7 कैरेट सोना है ये और यही खिलाड़ी था जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप में रांची में सुपर खिलाड़ी का खिताब इनको मिला था कि मैन ऑफ द सीरीज इनके नाम था ये कोई और नहीं है सिद्धन है जो पाकू टीम से जाकर धनबाद जैसे टीम को 5 गोल से रोंद कर आए थे वाकई में कमाल का खिलाड़ी है मैं पहले भी कहना चाह रहा था कि इस खिलाड़ी में दो दो ऐसे स्टार खिलाड़ी है जो कि झारखंड में चैंपियन का खिताब हासिल किया है जो कि फर्स्ट गोल दागा था वो ताला था सुशील और सेकंड जो गोल दागा है वो है सिद्धन ये दोनों ही खिलाड़ी मुख्यमंत्री कप में अपना अहम योगदान दिए थे रांची में
और उस बात का मैं खुद साक्षी हूं क्योंकि मैं उस ग्राउंड पर सपोर्टर के तौर पर वहां मौजूद था और वाकई में सिद्धन यहां वो कमाल दिखाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए कामयाब होते हुए, लेकिन दाद देना होगा यहां पर। देखिए एक बार फिर से ये 12 नंबर का जर्सी वाले खिलाड़ी बॉल को लेकर जाने का जो प्रयास कर रहे थे, थोड़ा सा हार्ट टेकल होते हुए, लेकिन खेल वाकई में जैसे ही यहां दोनों का टाइसेट में जो नाम दर्ज किया गया था तो लोग उस टाइसेट को देखकर ही बाखूबी पता कर लिए थे कि दोनों के बीच में काफी रोमांचक काफी दिलचस्प मुकाबला होना है। और वाकई में आज दिन का सुबह देखिए एक बार फिर से मौका मिला है और देखिए लाजवाब गोल। ये खिलाड़ी गजब का खिलाड़ी है, गजब का स्किल, गजब का फुर्तीला आवाज। और वाकई में ये दोनों टीम का बीच में लग रहा है कि यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, जबरदस्त का मुकाबला। ऐसा कभी कल्पना भी नहीं कर पाए थे कि इस तरह का मुकाबला इस ग्राउंड में देखने को मिलेगा। सुशील, ये खिलाड़ी के बारे में दो शब्द जरूर आप बताइए। हेलो हेलो, निश्चित रूप से नुकाना मैच ये लगी अब कोई और बुन तहन करना, निश्चित रूप से तिहिंग नुकाना मैच हेलो करा एंते बनार में इटागी टीम खोंडो बकिन कोमा नियगी मीटे परिचय एमदनवा मैच चल गते से प्लेयर्स को बुट जलेखवा एंते बनार टीम से खोंडो का प्लेयर्स को सिलेक्शन हुई गना बनांगर की जो तो प्लेयर्स बाबो थोड़ा थोड़ा अब ले सड़ी का बुना जो कोई टा प्लेयर्स दो चल का को गति आमंते और ना बारीकी तो उनका ना परिचय अकवा को एम का गोल ना रिकॉर्ड थोड़ा गरीब नहीं बुना उकदा पहला गोल लेना खास करके उड़े ऐसा घुटू से कौन ओका 9 नंबर है गोल लेता उन्हें तो पहल हापना है तो हम समय 1 मिनट रे गोल लेना गोल रुवर ना ओका तो नोडे खोन मिलवो मायाम टीम से खोन ना दो 9 मिनट रे गोल रुवर की दा मिता में नोडे खोन देवीलाल हेमरम नोते खोन दूसरा गोल है ना मिता में हिसा घुटू से खोन शिवधन से खोन शिवधन तो 10 मिनट रे 10 मिनट रे दूसरा एक गोल की दा आ नोडे खोन देवीलाल तो फिर दूसरा गोल ओका तो गोल रुवर के कमलेश्वर नोटे चेंजिंग में ना और नोटे 15 आउट 8 इन नोटे बिल्वा मयाम टीम तो निश्चित रूप से नोटे कौन अरहो रिटर्निंग गोल खास करके देवीलाल हेमरम या 12 मिनट रे गोल बढ़ना तो देवीलाल तिही नया टीम लगी अधिक कमाल ना गति है तू का और निश्चित रूप से नोई प्लेयर्स उका दो हर जगह गेल बड़ा उकदे सरी गई नोको को प्लेयर उका दो स्कोरर खिलाड़ी के रूप रेखो बढ़ाई चुवा नोड़े देवीलाल होइना नितो उका दो सब्स्टिट्यूट बेंच पर बोलो का नोड़े बबलू लिकन प्लेयर सासुंगे ते नरेश उनकाने प्लेयर्स कराए बबुलाल उनकाने प्लेयर्स कराए घातक प्लेयर्स ओको दो नोको प्लेयर से खन थोड़ा गन सतर्क तहन यु तक वा हेसा घुटू टीम और हेसा घुटू टीम से खन उनकान उनकान प्लेयर्स को बिना कोई स्ट्राइकर जो नोडेम नेल लेकु का ताला मने अपन नंबर है दुगुर टुडुबु नेल लड़िया अटेकी स्किल वन और काफी रफ्तार भरा प्लेयर्स कनाय नोइठे गति बना गजब ना गतिवान प्लेयर्स कनाय दुगुर टुडु सासु गते रुंडे नेल लेखान शिवथान किसको नुकु को स्टार प्लेयर्स को कना को नुको लटलटू ग्राउंड रे गति लगे नुको को बनाई चुवा और तिहिंग सौभाग्य थाकना जे शहरी नाडवा ऐतिहासिक ग्राउंड है नुकान को प्लेयर्स को अति कना तो मीठे सौभाग्य ताक थाकना और नुकाना उच्च स्तरीय मैच बेता में नुकवा गति गेल कते के बुन बुझाय दड़ी आज नुकु दो बेता में उच्च स्तर प्लेयर्स को कना को लटलटू टूर्नामेंट गति नुकुठे अनुभव और क्षमता बना तकवा तो निश्चित रूप से मैच जेल कते चल खाए अटकार दा खास कर कुंडे मार्शल बो होते हैं सेटर के ना नोया हो थोड़ा गन राई इन बड़ाई सनाई दिन करन वा मैच जेल कते चल का अटकार दा थोड़ा गन अपना राई धोया मार्शल बो दे दला माइक्रोफोन रे बा स्वागत बना। हेलो आर आई माय बस हाउस सुशील दा सासुगे ते जो तो कोई मरंग रे सरहाविन चालक वाका दरवा सीतो कानू युवा स्पोर्टिंग क्लब शहरी दुआ क्लब रे तिने दो सनम वरीय पदाधिकारी गण अध्यक्ष सचिव कोषा अध्यक्ष साव संगीत सनम एक्टिव मेंबर्स को दुआ टूर्नामेंट सब सपराव लगी अडी गान मेहनत हुई कना और जब जब नुकना टूर्नामेंट साफ सपरा बा हालांकि बीच रे इन सहयोग बई एम बारे बाबेन खान जावी तो दिसई जा और बेलावन ये थे इन नुकुवा दुलर उका तो इन प्रति से इन नुवा कमिटी प्रति उका दुलर मिना आवडा इता एम बा सरावी चालकवा साफ संगीत उका तो ही नुवा कमेंट्री बूथ रे
अकोई तो ये लट्टू बुई हाँ उन्हें कोई सीनियर कमेंटेटर मनोतान सुशील दा साहस वेतन देखो सम्मानित रिंकू दा नुकिन बनार या डबुंग बने अंतर कोई आयम आयम मनोज जोहारी चालक की दा साहस वेतन तीन दोपहर सेटर का जो तो दर्शक बिहार को जो तो टीम रेन मैनेजर टीम रेन कप्तान को और सलाम को की ये जो बार्सिल हंसदा से कोई आपे हो आयम आयम सराव इन चालक पे करा और दोहा आप या नवा पहला नवा का तो ओपनिंग मैच दूसरा दिन दिया नवा यार ग्राउंड पे कोई आतंक दरा में पे करा बढ़ाई चुपड़े जो कादो नवा ससांग जर्सी दे कोई तो गति का नुकुदो कना को नोडे बीजे बेहतरीन मौका हुआ से चेक गोल डी बॉक्स एरिया रे और 18 यार्ड बॉक्स के अंदर वहां पर जस्ट नंबर 11 वहां पर दाखिला दे चुके थे लेकिन इस स्थिति में बॉल चली जाएगी लेकिन यार वहां ओपनिंग मैच रे कुल मिलाकर पुनिया गोल हुई करा हरियर जर्सी रे कोई बुनियाले कुनो को दो यंग बॉयज मिलबो मयांग टीम नुकु पहिला आफ्रिकी आर नवा साउथ संगे तीन नवा मैच रे कोई तो निर्णायक रेफरी कनाय उनिया फुल टाइम दबंग हाफ टाइम रे लंबी बिसिल आर दो दो या बराबरी रे नवा मैच समापन हुई ना आर मीट नवा मैच रे आर चेयर गोल हुआ के बाद नसरी है कन तो और एक बार आप सभी दर्शकों को सभी फुटबॉल प्रेमी सभी टीम के मैनेजर कप्तान सभी खिलाड़ियों को आप सभी को और एक बार इस सीधो कानू युवा स्पोर्टिंग क्लब शहरी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि कैबिसिल के साथ में प्रारंभ हो चुका है तो यहां पर सेकेंड हाफ में कौन सा टीम ये पांचवा गोल इस मैच पर दागने का जो पहला षड्यंत्र रचेंगे तो आगे का टिप्पणी के लिए मैं माइक्रोफोन पर स्वागत करूंगा आदर पूर्वक इस टूर्नामेंट का मुख्य कमेंटेटर मेरे सीनियर और माइक्रोफोन पर यहाँ पर सुशील दा हेलो 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 उन्हें हाफ्टून ने प्रेम है कौन है मामे बनार टीम बीच अभी होगा गति को जले का बनार टीम से कौन हो रहा था मैच ए बाबू कोड़ा और बाबार गुटे गोल बना टीम से कौन जले का पहले हाफ रे बैठन दूसरा हाफ रे नोडे को ना जले का ना परिवर्तन जले का इंप्रूवमेंट जलवा दुआ खास नजर है ना मैच पर निश्चित रूप से बना टीम का प्रयास है ना देखो सेकंड हाफ रे हम नीचे बेहतर मैच ना प्रदर्शन करते नोडे को नागला गोल स्कोर करते मैच रे पकड़ जबन की मजबूत दरिया नोकना कुरुमटू नोकना प्रयास है तो किना बना टीम और ये लगभग जैसे जैसे हर समय हुई दिया जैसे जैसे समय दोसार हापना उड़ो की दिया निश्चित रूप से मैच आप जैसे इंप्रूवमेंट को जन मरिया बना टीम से कौन हाँ नियम बाद ना मैच लगी अब बना टीम रन टीम मैनेजर मीट कौन की खाने खाने में नौगत चुकना बाबा तिलका माजी क्लब कास्तूरी वर्सेस एफसी कदम बुट पटना साहेबगंज अब एंड बना टीम रन टीम मैनेजर नीट कौन की अब एंड प्लेयर को अब एंड सब कदे तैयार दो का तो बन एंड नोकिना गाती मुझे तो बना कर के पांच मिनट लहर है अपना प्लेयर को रेडी करते अब एंड ऑफिशियल पॉइंट मांगे तैयार बन दो को एंड नोकिना बाद दो अब एंड अगला मैच हुआ बाबू से कर दाई का है तो आपे जो तो तू लगी पीठ है बड़ा जो कथा तो नहीं है कि बोला वाह दिन का बनार पाटन खाड़ मैच हुई है
ग्रुप ए से कौन पहला क्वार्टर को किन लतिन्ना एफसी बरूदी वर्सेस एफसी डीजेटी आरतिंदो गति खिलाड़ी की हरा जीत में गति खिलाड़ी की जीत में एफसी डीजेटी को दो एक जीतों से होलार की जीत सेमीफाइनल रे ग्रुप ए से कौन आया जगह से निश्चित का है सेमीफाइनल रे गति का मुकाबला एफसी ग्रुप बी से कौन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच की गति में थोड़ा तो कहे करना एफसी मुंबई की ओर से एफसी धातु और ये देखिए यहाँ से गोल आ सकता है लेकिन यहाँ पर मौका बन रहा है लेकिन गोल नहीं होगा। ये देखिए क्या इंटरेस्टिंग गेम है, चार दिन का ये फर्स्ट ओपनिंग मैच यही जहाँ दूसरा मैच है बेहतर दूसरा दिन का पहला मैच है बेहतर को मिल रहा है बना टीम से खुद हमारा सारा मैच चला चला और हमारा उसका दूसरा क्वार्टर उन मिल रहा है उसका तो एक टीम दहाड़ थोड़ा मार साल से कितनी एक टीम मुंबई की एक टीम गति लगे द्वार दो एक टीम थोड़ा टीम दो आठ टूटा दोआ थोड़ा मन करे हेलमेट ना बाहरी और एक की मुंबई टीम को हार हम चला मैच करते नहीं रखो हम सभी फाइनल में गति दिए है जगह सुनिश्चित करते हैं तो तेही हो हां गोंद का भी बना पाते हैं सारे मैच है और तेही आगे से कोटा धान होगा भगना टीम आज के टीम को शॉट जहां पे ही जाओ सुपर फोर में गति दिए है जगह सुनिश्चित करिया और देखो अभी बस तीसरी धार बने सप्लाई धार डाल दिया है सपोर्टिंग लगी बन जाने हम चल रहे हैं नौकरा को बेटा का तू ही का बोल चला होना बोल दी निश्चित रूप से फ्रेम में जैसे हम सेकंड पोस्ट है बड़ी शानदार गोल को आज आज सीधा ना हमारा दो साल में भूल को आया है गोल गोल एक इंटरेस्टिंग मैच है जिस का ये पोस्ट बैच सेकंड दिन का इसे बहुत बड़े का प्रयास वहां पर गोलकीपर पोजीशन आउट हो चुके थे लेकिन गेंद को वहां प्ले में नहीं रोक पाए देवीलाल हेमराज उनका हैट्रिक गोल हो जाता है अगर मदन देवीलाल गोल निकाल रहा हो हैट्रिक गोल को आप इसी रूप से बोला कौन तिहिल हरी जो तो कौन जैसी दो लाइन प्लेयर से बनाता है इस तरह प्लेयर से बनाता तिहिल ये दरी से ऐसे उनका गोल होना वाला तिहिल हो तो कौन गया लगा ऐसे तिहिल को बीच में बैठ करके पंद्रह गोल को गया जाता है और होना जिसे होना जिसे छह गुटे मैच है पांच की का गोल लाए थे हां ये प्लेयर का तो गब्रियल की गति है गब्रियल का सपोर्टिंग में गति है साला इधर गति करते थे बहुत बहुत था केवल स्वास्थ्य के बहुत केवला लगे हुए थे मिस्त्री भरत थे कौन मिस्त्री अक्रॉस सीधे पोस्ट में मैन का मेरे सत्ता के चलते तो गोल के पर सनातन के द्वारा हां यही जो है ज्यादा परेशानी है बच्चों की जो है ज्यादा दुखिता है जी बात वो सोच सके ना तो निश्चित रूप से लेकिन बना के जाती ऊपर है सकीना उठा इससे बना था उठा के उलझा था होगा ताकत से होना सुनो कि लगा हुआ वहाँ बैठ है जब वो हर हर बोल रहा था वहाँ बैठ निकल गए थे थोड़े कौन पांचों राउंड रहे हैं अभी जगह के किसी का दिया मुकरा प्रयास जरूर कहे चुके ना आर्मी डॉग मिस्त्री बॉल साथ में खेलने के लिए बने सप्लाई भाव का रहा बॉल को थोड़ा कम समझ रहे हैं बाबूलाल आर का बॉल नहीं बोल गोल की पर चला था सुरक्षित जब से उधर बोल चला था तो था रहा तो हो सके जैसे तो मेरे बाद भी कि मैं मध्य में बोल सात मेरे बैक पास है तो देखिए तो उसके लिए फिर समय अधिक बना गया आधा को अधिक समय बना गया दूसरा रहा था बेन दूसरा हाफ में से गोल होते हुआ ऐसे सही हाथ का मैच है जो बना बहुत मित्र गोल बोलने के लिए कौन बोले गोल बना टीम से गोल बाबर बोले टीम गोल पहला हाथ पर गोल बना टीम से कौन यल ना
लेकिन ये दोसार हाफ रे नोंकरा गोल स्कोर जेल नेमो से बंग ओडे खन दुगुर टुटू 10 नंबर बाबार गोटे प्लेयर सुने बीट लेकिन बेन खान ने वक्त रे अडी मुझे कवरिंग की दिया ओडे कौन नरी सस्ता नरी सा क्लियरेंस बेन खान बॉल ने फिलहाल प्ले खन बाहर ही करना खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ लग रहा है निश्चित रूप से दूर से ही एक ऑन टारगेट शॉट लिया लेकिन गेंद सीधे गोलकीपर रामलाल हेमरम के ग्लव्स में जाएगी और यहाँ से एक थ्रोइंग बॉल हिसा घोटू टीम के माफ कीजिएगा यहाँ पर बिल्वा मयाम के लिए यहाँ हिसा घोटू उठी है वहां पर गब्रियल ने गेंद को आगे पास निकाल दिया शिवधन के लिए इसी बीच बिल्वा मयाम की टीम वहां पर फर्स्ट गए वहां पर देवीलाल रनिंग बैक ऑफ साइड के ट्रेक में उन्हें प्लेयर्स दोनों रनिंग बैक ऑफ साइड से कॉल अचुना नोटे सहायक रेफरी एआर वन रे सुशील टुडू सर द्वारा अड्डी सटीक डिसीजन नुकु रेफरी को नेल दा ए तो हो फिलक कोन होला कोन आर जरे बुझाव दा नुकु को रेफरी पहिल था ये कोई क्षेत्र तक हजू करना ओ कोई तो नेले को नोटे मैच रेफरी कमलेश जी मिथुन जी नोटे सुशील जी सा संगे ते फोर्थ ऑफिसियल नोटे मनोज जी नोई दोनों अखन लहारे जनी बास को लहार होय है बड़ा ओकन गया लेकिन नुकु पेने रेफरी को नेले को नुकु दो साहेबगंज क्षेत्र खन को तालुका को दोहेदार पहिल धाव नुवा को क्षेत्र को है कना खास करके ने पतना प्रखंड अंतर्गत लेकिन नुकु रेफरी को सराहा उपा मिमी डिसीजन नुकु आडी सटीक इनला होला कोन आ निये गेबो नसो आ जेबो नुका की सुचारू ढंग ते हर एक मैच संचालित कते जेबन को संपन्न तबो बनाते जतो रेफरी मंडली को आर्मी दम नुआ क्लब से कोन आडी आडी सराहा बिन चाल को सासु केते सराहा बिन चाल किन आर्मी दम नडे ओका दो यूट्यूबर रूप रे किन है कान नडे टिंकू जी सासु केते प्रेम जी नोड़े ना मैच कवरेज लगी नुकिन हो एम आई सराहाओ कि एंटे कि दमना समय उड़ूकते तिहिं नवा टूर्नामेंट ना दूसरा दिन रहे दोड़ा किन सेटर करना आर होला खोन नुकिना उका योगदान करना अब बराबर बोन न्याम दी का उन्हें इतने नुकिन बनार यूट्यूबर एम आई सराहाओ कि टिंकू जी एसपी फुटबॉल ब्लॉगर रन यूट्यूबर करना आर सासू कहते प्रेम दो प्रेम राज टूडू ऑफिशियल रन आर तीनों दो होला खोन नुआ ग्राउंड ना उका दो मैच बोर नेले कान जदि होला वा मैच आइमा होर बापे रियल टियर ले कान कान तो निश्चित रूप से आपे एसपी फुटबॉल ब्लॉगर यूट्यूब रे चला गुते ना सर्च पे आर होला वा मैच उना खोन पे नेल लड़िया आ निश्चित रूप से तिहिं खोन मुचे हबी गपा दिन हबी नोडे तीनों दो कार्यक्रम चला तीनों दो नोडे ना गतिविधि तहे ना हर एक गतिविधि हर एक फुटेज नुआ यूट्यूब चैनल माध्यम रे बोन सेनुआ यूट्यूब चैनल माध्यम से नोडे ना हर एक मैच ना फुटेज बुन यल लड़िया तो निये की नेहरवा तिना दो नोडे बुन जराओ काम दिसम बोहा को से तिना दो खेल प्रेमी को बना बुना आसो कहते नोवा को यूट्यूब चैनल आसो कहते सब्सक्राइब करते बुन धोखा मांग ते निये यूट्यूब चैनल लहा समय रेडी जस्ती पॉपुलर गया फुटबॉल क्षेत्र रे एंटे हर लटू टूर्नामेंट ना का जानकारी न्यू अपडेट नुआ यूट्यूब चैनल माध्यम से आपको नियम दड़िया होना इतने नुआ को यूट्यूब चैनल बुन सब्सक्राइब होगा खान हर जगह ना जानकारी आपको दबी सकर दड़िया नोडे खोन डिमोच क्रॉस एक ना उन्हें गब्रियल लगी मैन खान गब्रियल धबी बॉल बांग से डर ना आर डिमोच इंटरसेप्शन उन्हें खोन जलना दो नंबर उन्हें संजला हेमरम को इधर टीम रन कैप्टन करे बिल्वो मयाम रे नोडे खोन हैट्रिक लगी मौका लेकिन सही कनेक्शन बांग बना उलना देवीलाल हेमरमा मीठे ढीला शॉट खेलना थोड़ा गन बोल रहे गति उन्हें पावर है जनरल दरिया खान निश्चित रूप से उन्हें खुम तेसरा गोल हो है दरिया किया लेकिन उनका ना शॉट बाय लगा दरिया देवीलाल मिस्त्री मरंडी उन्हें नौ नंबर है उन्हें अडिमोच एडवांटेज प्ले की ना मैच रेफरी कमलेश नेसा सुन की उन्हें खुम नहा उनका दो शॉट क्लियर के खास करके उन्हें खुम उन्हें हिजा को टूटी आर्मी था बबलू लगी बिलो मयाम टीम उन्हें कौन बोले क्लियर हाथ उन्हें कौन पोजीशन आउट करना है बेन खान देवीलाल थोड़ा गने सहयोग ना थोड़ा गने बिलम किधर एंड वक्त से उन्हें गोलकीपर सनातन टुडू उन्हें उड़ूकना
আর বল জহাল কাকিতে উডা কোন দুকনা ডেঞ্জার জোন তো दूसरे हाफ पर जिस प्रकार से दोनों टीम का प्रयास रहा है अगला गोल देकर के अपने टीम को मजबूती दे, लेकिन अभी तक सेकेंड हाफ में अगला गोल दोनों टीम के द्वारा हुआ नहीं है। दोनों टीम अभी तक दो दो शून्य की बराबरी पर, दोनों टीम से दो दो गोल हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में अगला गोल कौन सा टीम के द्वारा हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा ये कहना उचित नहीं होगा। और यहाँ पर देखना होगा 12 नंबर के लिए बहुत ही सुंदर पास बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर देवीलाल हेमरम गेंद को कंट्रोल करने का प्रयास, लेकिन इसी क्रम में गेंद प्ले से बाहर जा चुकी है। सगेन के पास गेंद और इसी बीच गेंद पोजीशन, ये देखिए यहाँ पर मिश्री मरंडी 9 नंबर गेंद के साथ आगे निकलते हुए यंग बॉयज क्लब मिलवा व्यायाम की टीम नरेश हस्ता का ये अनपटंग तरीके से ये शॉट ट्राई किया और गेंद पोस्ट के काफी ऊपर से निकल गई। अगला बॉल दे दीजिए, थोड़ा सा अगर गेंद को कंट्रोल करके वहां पर शॉट लेते नरेश तो हो सकता था वहां पर एक मौका बना सकते थे। और नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीम के जो टीम के मैनेजर हैं बाबा तिलका मांझी क्लब कस्तूरी वर्सेस एफसी कदमबुट पटना, आप अपने दलबल को रेडी करके डग आउट की ओर लाने का प्रयास करें अगले मैच के लिए। नियत है अपना मैच लगे अब बना टीम बारंबार बना होगा देखो खाना अब दे दला उसे रखो उसे अब प्लेयर्स को रेडी करते डग आउट से बना गुकवा बाबा तिलका मांझी क्लब कस्तूरी वर्सेस एफसी कदमबुट पटना एंटे नुकिना गाती मुझे दो साल सुगे थी कि अबे ना हो नेक्स्ट मैच युवा उन्हें इतने अलोपेन बिलमा बना टीम और दोबारा सारे कल सुबह अगला विवरण लेकिन उन्हें रिंकू सारी नियमता है उन्हें सारे कल सुबह रची उन्हें परिणाम हजुआ एंटे नहीं तभी जहाँ ना ललई उचित बांग मुझे उतना एंटे बना टीम बड़ी तगड़ा गया कि बड़ी मजबूत मुकाबला हुई कि मैन खान को नीचे मौका ना बनाओ कना गोल है दरिया किया मैन खान नरेश हस्ता शॉट उन्हें थोड़ा गन पोस्ट कौन बाहर ना अड्डी मोच उन्हें प्रयास ला सेकेंड पोस्ट है उन्हें शॉट लगी मैन खान नसीना बॉल पोस्ट कौन बाहर ना और चेंजिंग सर उन्होंने हिस्सा घटो टीम 12 आउट 16 इन तो निश्चित रूप से बचे हुए समय पर रिंकू सर किस प्रकार का बदलाव हमें देखने को मिलेगा इन दोनों टीम्स के द्वारा, हालांकि उम्मीद जरूर रहेगा जब तक कि यहां पर मैच समाप्ति का अंतिम विसिल ना बजे कहना कुछ भी उचित नहीं होगा इस मैच के बारे में इन दोनों टीम्स के बारे में, क्योंकि दोनों टीम्स उस लेवल में खेल रहे हैं यहां भाई कुछ भी कहना उचित नहीं मैं समझता हूं इस मैच के लिए। और इसी बीच यहां पर एक ऑफसाइड के ट्रैक में फंस गए वहां पर तालाजी, तो चलिए अगला विवरण के लिए रिंकू सर आप सुबह के साथ। हेलो तो चलिए सुशील आपका बहुत बहुत धन्यवाद।